नमस्कार, NN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। कोरोना काल की काली घटाओं को चीरकर मजदूरों के पसीने की धार ने सूखी नदी में भी निर्मल धारा बहा दी है। मुंबई, सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद से लौटे श्रमिकों ने अपने श्रमदान से घरार नदी को फिर से जीवित कर दिया है। सालों पहले चेक डैम बनाने से जब नदी का पानी कम हो गया था तो खेतों की सिंचाई रुक गई और धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए थे। बुंदेलखंड की कहावत है कि पानीदार यहाँ का पानी आग। यहाँ के पानी के इस कहावत को सच कर दिखाया। मुंबई, सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद से लौटे श्रमिकों ने अपने श्रमदान से घरार नदी को फिर से जीवित कर दिया। प्रवासी श्रमिकों ने अपने श्रमदान से घरार नदी को पुनर्जीवित कर दिया गया है। यही नदी पन्ना, मध्य प्रदेश के जंगलों से आती है और बागेन नदी में समाहित हो जाती है। आपको बताते चलें कि 30 वर्ष से घरार नदी अपना अस्तित्व खो चुकी है। पूर्व में यह नदी 40 से 50 फीट चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह नाले से भी बदतर है। जबकि पहले यह नदी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान थी। इस नदी के पानी से खेती कर गांव के किसान अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जैसे जैसे नदी अपना अस्तित्व खोती गई, गाँव वालों का काम की तलाश में पलायन शुरू हो गया। गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाओं ही रह गई हैं, लेकिन कोरोना महामारी से जब इस गांव के प्रवासी श्रमिक लौट कर आए तो काम की तलाश शुरू हुई है, लेकिन उन्हें मनरेगा योजना में भी काम नहीं मिल सका क्योंकि उनके पास जॉब कार्ड नहीं है। जब विद्या धाम समिति के अगुआ राजा भैया के सभी प्रवासियों की बैठक की और बुजुर्ग से पूछा कि पहले गाँव में काम किया करते थे, तब गाँव वालों ने बताया कि नदी के पानी से खेती कर लिया करते थे, उससे गुजर बसर हो जाया करता था, लेकिन नदी पर सरकार ने ढेरों चेक डैम बना दिए जिससे फलस्वरूप नदी मर गई और पानी मिलना बंद हो गया। नदी में पानी ना आने के कारण अतिक्रमण भी हुआ और झाड़ झाकड़ भी खड़े हो गए। ऐसे में युवाओं को काम की तलाश में शहर का रुख करना पड़ा। तब बैठक में भैया राजा ने प्रस्ताव रखा कि उनकी रसोई की चिंता हम करेंगे, जब तक उनके जॉब कार्ड नहीं बनते हैं हम तक वह अपने श्रमदान से अस्तित्व को खो चुकी नदी को पुनर्जीवित करने का काम करें। पानी होगा तो खुशहाली आएगी, हम सब अपने खाने को किचन गार्डन तैयार करेंगे, हम सब जैविक खाद से उपजी सब्जियां पैदा करेंगे, गांव की जरूरत पूरी करेंगे, साथ ही उन्हें बेचकर रोज की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। प्रवासियों और गांव के बुजुर्ग लोगों को यह प्रस्ताव बेहद पसंद आया और सभी दूसरे दिन ही चल पड़े। श्रमदान को अपने फावड़े कुदाल लेकर नदी को पुनर्जीवित करने की बात कही गई। खास बात यह है कि श्रमदान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घरार नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश क्षेत्र में लगभग 70 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश क्षेत्र में लगभग 130 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इस नदी पर 35 चेक डैम बने हैं, जिसके कारण आखिरी छोर तक आते आते ये मर गई है। प्रवासियों ने लगभग 1.5 किलोमीटर का हिस्सा पुनर्जीवित कर दिया है। नदी से जैसे ही उगाई झाड़ियों को पूरी तरह से साफ किया गया, नदी के जल स्रोत खुलने लगे और नदी में पानी आ गया। पानी के आते ही गाँव के लोगों का हौसला बढ़ने लगा और श्रमिकों की संख्या भी बढ़ने लगी। नदी को पुनर्जीवित होते हुए देख गांव के लोगों ने नदी पर किए अतिक्रमण को भी छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की, जो भी नदी पर किए गए अतिक्रमण को नहीं छोड़ेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। विद्याधाम समिति के भैया राजा ने बताया कि सभी के जॉब कार्ड और राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, सब्जियां और अनाज उगाने को समिति बीज उपलब्ध कराएगी। इस तरह भरण पोषण के सभी उपाय श्रमिकों के तैयार किए जाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ स्टोरी को लाइक व शेयर जरूर करें।